नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसे एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। हर एक ताजा बड़ी खबर, आज के चुनाव से संबंधित अपडेट आ रही है। ईवीएम को इलेक्शन कमीशन ने किया बीजेपी के नाम, सबूत मिले, चुनाव आयोग घिरा, विपक्ष ने उठाए सवाल। जी हाँ, जानेंगे क्या कुछ है पूरी अपडेट। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी पर जोरदार हमलावर, कह दी है ऐसी बात, बीजेपी आ गई बैकफुट पे। और भी बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में आगे शामिल की गई हैं, विस्तार से जानते हैं, बने रहिए साथ में। और आप भी मानते हैं इस बार के चुनाव में जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है, और आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय। सबसे पहले और महत्वपूर्ण खबर जानते हैं। जी हाँ, लगातार विपक्षी दल आज सवाल उठाते रहे। एक तो धीमा मतदान कराया गया, जहां भी इंडिया गठबंधन के वोट ज्यादा है वहां पर मतदाताओं को परेशान किया गया, तमाम तरीके से रोकने की कोशिश की गई, और यहाँ पे मतदान बहुत ही धीरे कराया गया। इसी दौरान लोकसभा चुनाव 2024 में छठे चरण की वोटिंग के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर लगे मिले बीजेपी के टैग, विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें, लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत सामने निकल के आ रही है। यहाँ पर ईवीएम को बीजेपी के नाम किया विपक्ष ने लगाए आरोप, ईवीएम पे टैग लगे मिले बीजेपी के। ये बीजेपी के टैग लगे यहाँ पे ईवीएम पाई गई, विपक्षी दल हमलावर हो गए। आपको बताते चलें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया, जिसमें यहाँ पे कुछ फोटो भी साझा की गई। बताया गया कैसे बीजेपी यहाँ पे लगातार ईवीएम की टेम्परिंग करने में लगी है, छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे कि बहुत बड़ा यहाँ पे घोटाला किया जा सके। और इसी क्रम में आपको बताते चलें, रघुनाथपुर बंकुरा में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मशीनें पाई गई, जिनमें बीजेपी के टैग लगे हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। इन पे सील के साथ बीजेपी के टैग स्पष्ट दर्शाते हैं पहले से ही इनमें सेटिंग की गई। तृणमूल कांग्रेस हमलावर है, सीएम ममता बनर्जी ने भी इस मामले में ट्वीट किया। और वहीं अब तक इलेक्शन कमीशन ने जो भी प्रतिक्रिया दी है वह यहाँ पे काफी पर्याप्त नहीं है, जो कि यहाँ पे विपक्षी दलों को संतुष्ट कर सके। देख सकते हैं बड़ा घोटाला करने की तैयारी है। तो इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, लोकसभा चुनाव में सिर्फ अंतिम चरण के लिए यहाँ पे अब चुनाव प्रचार बचा है। सातवें चरण के साथ ही यहाँ पे सभी चरणों का मतदान संपन्न हो जाएगा। चुनाव प्रचार और प्रधानमंत्री की भाषा इतने निचले स्तर पे पहुंच जाएगी, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। वोटर आखिर इस तरह की भाषा से कैसे उत्साहित हो सकता है। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यहाँ पे कुछ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने तो घेरा ही, चुनाव आयोग भी शांत बैठा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि दुखद है कि चुनाव आयोग अब भी सो रहा है, कितना बेबस चुनाव आयोग है कि अब तक प्रधानमंत्री पर कोई एक्शन नहीं ले पाया। नरेंद्र मोदी बिहार में बोले कि इंडिया गठबंधन यहाँ पे मुजरा कर रहा है वोट पाने के लिए। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेरा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी भाषा में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं, उनका राजनीतिक पतन हो चुका है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ पे जम के घेरा, बोली ये नरेंद्र मोदी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, उन्हें देश की आधी आबादी से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है पीएम की भाषा में गिरावट आ रही है। पीएम मोदी के इस बयान पे तेजस्वी यादव का पलटवार, तेजस्वी यादव बोले प्रधानमंत्री की बौखलाहट उनके भाषणों में बयानों में स्पष्ट सुनाई दे रही है, और इस बार के नतीजे ऐसे आएंगे कि बीजेपी फिर कभी उभर नहीं पाएगी। तेजस्वी यादव ने भी घेरा, कांग्रेस ने भी घेरा, और बीजेपी बैकफुट पे। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री अपने ही भाषण को लेके लगातार घिरते जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें, सबसे बड़ा एग्जिट पोल तो ये सामने निकल के आया है कि बिहार के आरा में प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे नीतीश कुमार के साथ रैली करने। बिहार के आरा में स्थानीय लोगों ने एनडीए की रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जम के विरोध प्रदर्शन किया। नीतीश मोदी मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिए, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई। तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बिहार का मूड साफ है,
देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार बीजेपी नेताओं के बयानों में यहाँ पे निचले स्तर की बयानबाजी की जा रही है, जिसके बाद लगातार बीजेपी घबराई है, सहमी है। एक चरण दर चरण बीजेपी में ये बौखलाहट स्पष्ट दिख रही है। वहीं आपको बताते चलें, गोरखपुर में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान प्रचार गीत पर थिरकते दिखे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जी हाँ, देखते ही देखते 2 लाख लोगों की पूरी भीड़ उनके साथ जुड़ गई। ये उत्तर प्रदेश का मिजाज है। अखिलेश यादव यहाँ पे गोरखपुर में गरजे हैं। जी हाँ, योगी के गढ़ में अखिलेश यादव बोले, ये देश के भविष्य का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाना चाहता है। अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है। वहीं प्रियंका गांधी बोली, आज नरेंद्र मोदी जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, विपक्ष के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वे अपनी असलियत दिखा रहे हैं। देख सकते हैं, मां से मंगलसूत्र, मछली, मंदिर, मस्जिद, मटन के बाद अब साहब के शब्दकोश से नया शब्द निकला है, मुजरा। ये ऐसा शब्दकोश है जिसमें फिजूल और ध्रुवीकरण पैदा करने वाले सारे शब्द लिखे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा, महंगाई और मुद्दे गायब हैं। प्रियंका गांधी जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमलावर नजर आई। यहाँ पे जबरदस्त तरीके से रोड शो और रैलियां हो रही हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन में लोगों का विश्वास दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया गठबंधन की रैली और यहाँ पे रोड शो में पहुंच रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं को सुनने के लिए और अपना समर्थन भी दे रहे हैं। जी हाँ, ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है, पैसे नहीं मिले तो लेंगे लीगल एक्शन। 1 साल पहले हुआ था पीएम का दौरा, होटल का 80 लाख से ऊपर का बिल अब तक बाकी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल मैसूर के दौरे पर गए थे, उस दौरान मोदी जिस होटल में रुके थे उसके बिल का भुगतान ना होने पर होटल वालों ने कानूनी कार्रवाई की बात कही। दरअसल अप्रैल 2023 में अपनी मैसूर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जिस होटल में रुके थे उसका करीब 81 लाख का बिल बकाया है। होटल ने बिल भुगतान ना करने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। देख सकते हैं, ये यहाँ पे ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अभी अभी आया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बड़ा बयान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर यहाँ पर मतदान किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदान प्रतिशत को लेकर उठाए जा रहे लगातार सवालों पर राजीव कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि एक दिन इसका खुलासा जरूर करेंगे। दरअसल एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई थी। वहीं विपक्षी दल भी लगातार यहाँ पे सवाल उठा रहे थे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, लेकिन चुनाव आयोग है कि बीजेपी पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। हाँ, विपक्षी नेताओं को जरूर नोटिस जारी कर देता है। तो वहीं आज मीडिया कर्मियों ने इनसे सवाल पूछे इलेक्ट्रॉनिक मशीन और मतदान प्रतिशत को लेकर, जिस पर इन्होंने कहा कि एक न एक दिन इसका खुलासा जरूर करेंगे। ये देख सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान सामने निकल के आया। आज की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।